हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वैल्यूज रेफर्ड करने पर क्या वैल्यूज आती हैं, हमारी कैसे आती हैं। आज हम देखेंगे जब सेकेंडरी रेफर्ड टू प्राइमरी साइड करते हैं तो क्या होता है। जब हमने सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रेफर कर लिया तो सारी वैल्यू जो बीच का जो सर्किट है वो हट जाएगा, जो कॉइल्स लगेंगे तो वो हटा देंगे अपन, और वैल्यूज को रेफर किया अपन ने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा। अपन ने निकाला था अगर सेकेंडरी वैल्यू को प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो क्या आता है, आर एक्स जेड के साथ इंटू में स्क्वायर आ जाता है, आई जो होता है उसके अपॉन में ही आ जाता है, ठीक है, और ई जो होता है और वी जो होता है उनके इंटू में ए आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो बीच का जो सर्किट होता है ना, कॉइल्स लगी होती हैं तो वो हट जाएंगे और सेकेंडरी वैल्यूज प्राइमरी साइड आएगी, तो कुछ ऐसा इक्विवेलेंट हमारा सर्किट बनेगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब पूरे सर्किट का हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी क्योंकि हम रेफर्ड वैल्यू क्यों करते हैं, वैल्यू रेफर्ड क्यों करते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंड टू प्राइमरी, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रिएक्टेंस, टोटल इम्पीडेंस, ये सब निकालने हैं, है ना। तो जहाँ टोटल रेजिस्टेंस अगर इसका निकालें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना। तो आर ई वन से डिनोट करेंगे क्योंकि प्राइमरी साइड रेफर्ड हुआ है, तो आर ई वन से डिनोट करेंगे। आर ई वन क्या होगा, आर वन प्लस आर टू डैश के बराबर होगा। आर टू डैश अपना क्या है, आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू आर टू, ये होगा अपना आर टू डैश, है ना, रेफर्ड हो गया। तो आर ई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू डैश। तो अब आर टू डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू आर टू। तो आर टू इंटू ए स्क्वायर एक ही जगह क्या लिख देंगे, फ्रॉम, हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू आई टू अपॉन आई वन। तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर था तो ए की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एन वन अपॉन एन टू लिख सकते हैं, तो एन वन अपॉन एन टू, और स्क्वायर है, ए का स्क्वायर था तो अपन ने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये आर टू डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर अपन को आर वन प्लस आर टू डैश की वैल्यू पता हो तो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम हम क्या करेंगे, एक्स ई वन निकालेंगे, तो एक्स ई वन क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू डैश, ठीक है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू डैश का मतलब क्या होगा, एक्स टू इंटू, अपन यहाँ पर टर्न रेशियो रख सकते हैं, अगर हमारे पास टर्न रेशियो है तो टर्न रेशियो रख सकते हैं, वोल्टेज रेशियो है तो वोल्टेज रेशियो रख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास इंटू में अपन एक ही जगह पे बो रख के इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो हमारी ये इक्वेशन फाउंड हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके जरिए यहाँ पे अपन रेफर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स टू डैश की वैल्यू कितनी आएगी रेफर्ड करने पे। तो जब अपन को एक्स वन पता है, एक्स टू डैश की वैल्यू ये पता है, है ना, एक्स टू डैश की वैल्यू कैसे निकाली अपन ने, एक्स टू इंटू एक ही जगह पे या तो वोल्टेज रेशियो दिया है तो वो रख दो, या तो टर्न रेशियो दिया है तो वो रख दो, तो यहाँ से अपनी वो वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स ही वन आएगा। सेम हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो जेड ई वन निकल आएगा हमारा, ठीक है, जेड वन प्लस जेड टू डैश। तो यहाँ से हमारा ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, जेड ई वन इज इक्वल टू हमारे पास अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है तो भी अपन जेड ई वन निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जब प्राइमरी को रेफर्ड कर देंगे सेकेंडरी साइड, तो अब क्या किया, प्राइमरी इसको रेफर्ड किया अपन ने सेकेंडरी साइड, है ना। तो रेफर्ड करने पर क्या होगा, ये जो आर वन है एक्स वन है इनके साथ क्या होगा, अपॉन में ए आ जाएगा, आर एक्स जेड इन सब के अपॉन में ए आ जाएगा, और आई वन के इंटू में आ जाएगा, है ना। और क्या होगा, वी वन, तो वी वन के वी वन अपॉन ही आ जाएगा, ठीक है, जब अपन ने प्राइमरी को रेफर किया सेकेंडरी साइड। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन इक्विवेलेंट निकालें, हमने मैंने सीधा इक्विवेलेंट सर्किट बनाया यहाँ पे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आर वन डैश प्लस आर टू को ऐड करेंगे तो आर ई टू मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड रेफर्ड है। तो अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेकेंडरी साइड का, है ना। तो रेजिस्टेंस जैसे अपन निकालें तो आर ई टू प्लस इज इक्वल क्या होगा, आर टू अपने पास है और आर वन को रेफर्ड किया, रेफर्ड किया मतलब आर वन इंटू जो भी अपने पास दिया हुआ है, या तो टर्न रेशियो दिया हुआ है या वोल्टेज रेशियो जो भी दिया उससे इंटू कर दें, है ना, क्योंकि आर वन डैश क्या होगा, आर वन अपॉन ए स्क्वायर होगा,
तो स्क्वायर की जगह पे या तो वोल्टेज रेशियो रख दें या तो टर्न रेशियो रख दें, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे अपन तो आर वन की जो आर टू आर वन डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी और आर टू की वैल्यू अपने पास रहेगी। दोनों को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड आ जाएगा। सेम हमें बाकी सबका भी करना है ना, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस अपन यहाँ पे निकाल लिया, आर वन इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आर वन प्लस है ना आर टू इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये जब सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर की गई, तो अपन यहाँ पे अगर आर ई वन यहाँ से अपन क्या करें ए स्क्वायर हो इस साइड ले जाए तो क्या होगा, आर ई वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसके अपॉन में था नहीं, तो आर वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से आर टू अकेला बचेगा। तो यहाँ पे अपने ए स्क्वायर की जगह पे अगर रख दें टर्न रेशियो एन वन अपॉन एन टू है ना, तो डिनोमिनेटर के नॉमिनेटर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन वन अपॉन एन टू रखेंगे इसकी जगह पे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एन टू अपॉन एन वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा आर टू। तो आर ई वन अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होता है हमारा, यहाँ से देखते हैं अपन, ये क्या होता है हमारा आर टू प्लस आर वन इंटू एन टू अपॉन एन वन का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर ई टू। तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं आर ई टू लिख सकते हैं, तो आर ई टू किसके इक्वल हुआ, आर ई वन अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल हुआ, ठीक है। सिमिलर वे में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ई टू इज इक्वल टू एक्स ई वन अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे जेड ई टू इज इक्वल टू जेड ई वन अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कुछ हमें काम में आती हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर काम में आती हैं वैल्यूज निकालने के लिए, तो इनका भी अपन यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।